नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो कैसा लगा आपको अनुपमा का ऑडिशन और कैसा लगा आपको वनराज शाह का झटका? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा था एपिसोड। हाँ, थोड़ा सा लगा कि अनुपमा का ऑडिशन लंबा चला गया, मगर ठीक है, बढ़िया है, कुछ कहना तो है, प्रोटैगनिस्ट है तो मौका है, स्टेज है, सब कुछ है, तो बात तो करनी पड़ेगी। तो वो सब बातें हुई हैं और आपने भी अपने रिव्यूज़ भेजे हैं इन्हीं सब बातों के ऊपर, तो बढ़िया से रिव्यूज़ हैं, जल्दी से सुनाती हूँ। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज़। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। राधिका विनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज वनराज के बारे में बोलना चाहती हूँ। वनराज जो अनुपमा को ताने मार के बोल रहा था कि मुंह पल गिरोगी, मुंह पल तो वनराज आप गिरोगे, आप इस तरह से गिरोगे कि उठ ही नहीं पाओगे। मैं तो चाहती हूँ कि आपको वो बिल्डर धोखा दे के आपका घर भी हड़प ले और आपका ये नौकरी भी चले जाए, और कहाँ नौकरी भी ना मिले आप सड़क पे आ जाओ, और बाकी कसर आपका निकम्मा चोर बेटा और बदतमीज़ बेटी आपको बर्बाद करने में कुछ कसर कम नहीं छोड़ेंगे। आपको आपकी पाप की सज़ा मिलनी ही चाहिए। और यहाँ तोशु के बारे में बोलना है, आज अच्छा लगा तोशु जो बोल रहा था कि मम्मी ने सबको प्रॉपर्टी के बारे में, सबको प्रॉपर्टी का हिस्सा बराबर बोलने के लिए ठीक बोला था। और पाकी को, पाकी के बारे में बोलने का है, पाकी को जो अपने पास नहीं है उसका ऊपर ही वही चाहती है, वो जो उसके पास है वो उसकी उसका कदर ही नहीं है उसको। जैसी इतनी अच्छी माँ है, अधिक है, ईशानी जैसी बेटी है, उन सब का कदर ही नहीं है उसको। और यहाँ बा के बारे में बोलना है, बा हर वक्त पायसन चटनी में क्यों मुंह उठा के चली जाती है मालूम नहीं, और किस हक से अनुज को बोल रही है कि वो क्यों आता है घर के। अरे आप कौन हो बोलने वाले, वो तो पब्लिक प्लेस है, कोई भी आ सकता है जा सकता है। अनुज तो आया है स्पाइस एंड चटनी को हेल्प करने के लिए, आप तो आते हो फुक्कट चाय पी के ताना मारते हो और ऊपर से, और अपने हिसाब से आपको जब भी ज़रूरत पड़े तभी अनुपमा को बेटी मान लेते हो, बाद में पराया कर देते हो। आपको याद नहीं होएगा कि 5 साल पहले आप जब भी गिर गई थी, आप और बापूजी, अनुपमा ही थी आपको मदद करने के लिए आई थी। आपने तो अपने पति को भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी हाथ उठाया और सबके सामने बेइज्जत किया, और अभी भी अनुपमा को आप दिल से कभी भी उसके बारे में अच्छा नहीं सोचती हो। आपका बेटा पोता पोती की बोली बोल रहे हो कि कंपटीशन में क्यों भाग ले रही हो। और यहाँ अनुपमा का कंपटीशन के बारे में बोलना है, अनुपमा ने जो भी उसको जिस तरह से भी आता है इंग्लिश, उसमें उसने मैनेज कर लिया और ठीक बोला कि लैंग्वेजेस बहुत सारे हैं पर टेस्ट सबको एक ही होता है, उसका कुछ लैंग्वेज नहीं है। और अनुपमा को जितने भी राउंड्स रहेंगे इस कंपटीशन में, हर एक चैलेंज में अनुपमा मुंह तोड़ जवाब देगी और हर राउंड में आगे बढ़ती ही जाएगी, फाइनल राउंड भी पहुंचेगी और कंपटीशन जीतेगी ज़रूर। पर एक ही डर है कि इस कंपटीशन के बीच में शाह फैमिली या कपाड़िया के किसी सदस्य के लिए वो अपना कंपटीशन आधा अधूरा छोड़ के ना आ जाए।
वो एक ही बात का डर है, और कंपटीशन अनुपमा जीतना ही है स्पाइस एंड चटनी को बचाने के लिए। किसी इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होना है, और तोशु को तो बिल्कुल देने का नहीं है। और कंपटीशन इसलिए इसके लिए भी जीतना है कि अनुज से पैसा लेने का नौबत ही नहीं आए। ऑल द बेस्ट अनुपमा, विश यू ऑल द बेस्टस, विश यू ऑल द बेस्ट अनुपमा रॉक। आज के लिए इतना ही मैम, थैंक यू। अनुपमा ने बढ़ाया भारत की माताओं का गौरव। नमस्ते अंजय जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। अनुज ने नवरात्रि पर वो सभी ओल्ड एज होम में कपड़े बनवा कर भेजता था, तभी वो एक ड्रेस पसंद करता है, लेकिन अब वो अनु को कैसे दे वही उसे समझ में नहीं आता। और वो जो लहंगा होता है उसमें जो कलर होते हैं वो सारे अनु के फेवरेट कलर होते हैं, जो उसने शादी के बाद कभी नहीं पहने होते। तब देविका आती है और वो लहंगा लेकर चली जाती है, और अनुज के टांग खींचती है कि कहूँगी उसके होने वाले पति ने भेजा है। जब दोनों की नोकझोंक भी बहुत अच्छी लगती है। बेवकूफ़ों में घिरी अनुपमा, किए किराए पर फेरेगी पानी डिम्पी। जब ये सारी बातें हुई तब डिम्पी नहीं थी वहाँ मौजूद, क्योंकि वो बच्चों के साथ पार्क में थी। डिम्पी को भी उसका हिस्सा मिलेगा, चाहे वो शादी करके जाए या फिर ना जाए, फिर भी उससे उसका हिस्सा मिलेगा। अब मिस्टर साहब, आपको मेरी ये दोनों शर्तें मंजूर हो तो आप जाइए वकील ढूंढिए और स्टैम्प पेपर पर लिखवा के लाइए, और वो कागज़ मुझे दीजिए। तब तक अपनी NOC अपने पास रखिए, और उस लेटर पे भी आपके सिग्नेचर चाहिए। जब पेपर बन जाए तब मुझे दिखाइएगा, उसके बाद ही साइन कर दूंगी। डिम्पी तुम कुछ भी मत बोलो, अनु की मेहनत पर पानी मत फेरो। जो मम्मी कर रही है वो सही कर रही है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, या तो वो जीतते हैं या तो नया कुछ सीखते हैं। अपने कंफर्ट जोन में बाहर निकल कर करने की कोशिश, ये तो अनु ने हर बार प्रूफ किया है। वो हार नहीं मानती, चाहे डांस एकेडमी खोलना हो, स्कूल में कुकिंग क्लास लेना हो, या फिर अनुज के साथ काम करना, सब में अव्वल आती है अनुपमा। ये बातें बड़ी सीख देती है हमें कि कभी हार नहीं मानना। श्रुति ने खुद ब्लू पहना है और अनुज को बोल रही है कि कलर मुझे पसंद नहीं है। आज का एपिसोड लो, श्रुति ने बता दिया कि स्पाइस एंड चटनी बंद होने वाला है। अनुज को अनु की बातें याद आ रही है कि रेस्टोरेंट मेरा घर है, रेस्टोरेंट ने मुझे छत दी है, नहीं तो कितनी रातें मुझे सड़क पर गुजारनी पड़ती। श्रुति को पता है कि अनु की बात करेगी तो अनुज को हर्ट होगा, फिर भी ये बाज नहीं आती। श्रुति, अनु इंडिया नहीं जाएगी। और श्रुति ने ये भी कहा, जब पहले वो स्टाफ की बात करती है, स्टाफ की गिनती में अनु को रखा, जब अनु ने श्रुति को देखा तब वो कहती है कि अनुपमा कहीं इंडिया तो नहीं चली जाएगी। वो यही रहेगी और कंपटीशन जीतेगी। वनराज बौखला गया है, सही किया है अनु ने कि डिम्पी अंश का है और टीटू इतना गया गुजरा नहीं है, वो तुम लोगों जैसा नहीं है जो मैनिपुलेट करेगा। तुम नहीं, तुम्हारा बेटा तोशु जरूर कर सकता है। लो, बापूजी जख्मी हालत में आए हैं। गुंडों ने बापूजी को धक्का मारा और पूरी फैमिली को किडनैप करने की धमकी दी है। ये सब तोशु की वजह से हुआ है। क्या बेटा पैदा किया है तुमने? आज उसकी वजह से गुंडों ने बापूजी के ऊपर हाथ उठाया। लो आ गई बीजी, टकरा गई बा से। लो, दोनों का मीठा बहस चालू हो गया। बा, आपको इंग्लिश नहीं आती, प्लीज मत बोलिए। चाय पीने आई तो पैसे है? बीजी ने कहा। सही कहा बीजी ने कि अनु इस रेस्टोरेंट का नुकसान नहीं होने देगी। लो आ गए कपाड़िया जी दीपू से मिलने। तोशु कभी नहीं सुधरेगा। ये बात तो सच है कि वनराज अपने बापू जी की बहुत प्यार करता है, उनकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करता और बहुत रिस्पेक्ट भी करता है, जो तोशु और पाकी ने कभी अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं की। सच में तोशु ने PhD की है कमीनेपन में। ये गुंडे
अनु को भी नुकसान पहुंचाएंगे। सही कहा, पैसे चाहिए थे तो हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लो वनराज आयुष पर हाथ उठा दिया। पूरी बात जाने बिना ही वनराज हाथ उठा देता है। ये तुम्हारी बेटी पूरी तरह से चीप हो गई है, ये रेस्टोरेंट बचाना चाहता है। चाहते हो मैं फाइनेंशियली पार्टनर बनना चाहता हूँ, आप मेरी कंपनी से लोन लीजिए ताकि ये रेस्टोरेंट बच जाए, सेफ हो जाए। लोन विद इंटरेस्ट, आप ये लोन टाइम पर चुका दीजिएगा। ये रेस्टोरेंट मेरी अनु के लिए इम्पोर्टेंट है। अनु के कदम जहाँ भी पड़ते हैं वहाँ बरकत होती है, बरकर हो जाती है, बरकत हो जाती है। आप दिल से डिसीजन ले रहे हैं दीपू का कहना, आप क्या कहना चाहते हैं मैं जानता हूँ। अनु को पता चला कि मैं स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट में मैंने इन्वेस्ट किया है या पार्टनर बना हूँ या ऑनर हो गया हूँ, तो वो ये रेस्टोरेंट में काम करना छोड़ देगी। मैं खुद से ज़्यादा अनु को जानता हूँ, पर मैं मार्केट सुनहरी को भी जानता हूँ। आपको ऐसा इन्वेस्टर या हेल्पर मिल जाए, मिलता है तो मैं हूँ, नहीं मिलता तो मैं हूँ। अनुपमा जी, दीपू जी और आप, हम तीनों रेस्टोरेंट को बजाना चाहते हैं। वाह क्या सीन है, दोनों ही टकरा गए। बा आप अनुज का हौसला नहीं, अनु का हौसला नहीं बढ़ा सकती तो चुप ही रहिए। माँ बीजी क्या हौसला बढ़ाया है। बा अनुज चाय पर चर्चा करे या पत्नी पर ध्यान दे चाहे ना दे, आप अपने घर पर ध्यान रखे हैं, क्यों दूसरे के मामलों में आपको पढ़ना है। घर जाइए, वहाँ बापूजी को चोट आई है, उनकी सेवा कीजिए। और वो बावर्ची कंपटीशन नहीं है, कुकिंग कंपटीशन है। वाह बीजी क्या आशीर्वाद, बीजी का आशीर्वाद मिल गया अनुपमा, अनुपमा को। अनुपमा पहुंच गई कंपटीशन में, उसे तो तोशु वनराज और पाकी की बातें याद आ रही है। थोड़ी देर के लिए वो स्टक हो गई। चलो एक जजिस को हिंदी आती है थोड़ी ही सही, पर अब उतनी परेशानी नहीं होगी। इसका नाम पूछा, डिश का नाम पूछा, शाही टुकड़ा भारतीय रॉयल मिठाई है, वो सब है। लेकिन सबसे पहले एक औरत है। इंडिया में औरतें सिर्फ खाना बनाती हैं, इंडिया में कोई भी कभी किसी से मिलने जाता है तो मिठाई लेके जाता है, इसलिए मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ। ये तोहफा भारत की तरफ से आपके लिए। इंडिया में सिर्फ औरतें खाना बनाती है, आदमी नहीं। लेकिन कुछ आदमी भी अच्छा खाना बनाते हैं, पर ज़्यादातर आदमी नहीं बनाते हैं। वहाँ पर सिर्फ औरतें खाना बनाती है, आदमी नहीं, सिर्फ औरतें ही खाना बनाती है। पूरे वर्ल्ड में औरतें खाना बनाती है। देश भले अलग हो लेकिन औरत वही करती है, छोटी उम्र से ही खाना बनाना सीखती है। घर सही कहा उन्होंने, हम भी छोटे थे तब किचन सेट खेलते थे, और किचन सेट का मतलब खाना बनाना सीखते थे। हर माँ बच्चों के लिए बेस्ट शेफ होती है, और मैं भी एक माँ हूँ और मैं उनमें से एक हूँ। मैं यहाँ के मशहूर रेस्टोरेंट स्पाइस एंड चटनी में सेकंड कुक हूँ, और मेरा एक फूड चैनल है जोशी बेन की रसोई, 1 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोवर्स है। मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है। सही कहा कि जिंदगी भर सबके लिए खाना ही बनाती रहती है, बनाया है। घर के बाहर कभी नहीं निकली है, ना ही उसने, उसके लिए ही बहुत बड़ा अनुभव है। माँ हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहती है, और हर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भी तैयार रहती है, हर चैलेंज एक्सेप्ट करती है। तब एक जज ने कहा कि आप यहाँ हमारी बात नहीं समझ सकते तो आप क्या समझ रही है। तब वो कहती, भाषा का महत्व नहीं होता, तो इस शो की भाषा क्या है, इस शो की परिभाषा क्या है। तब वो कहती, स्वाद, टेस्ट। मैं आपको समझ रही हूँ।
इस शो की लैंग्वेज स्वाद है। मैं आपको समझती हूँ, खाने का कंपटीशन है तो स्वाद ज़रूरी है और उसी का महत्व है। आप यहाँ क्यों आई है? मैं यहाँ जीतने आई हूँ। वहाँ अनुपमा क्या खूब जजेस को समझाया है। लो अब ये क्या हो गया, यहाँ बेटी के पैर में चोट लगी और वहाँ माँ को हाथ में। अब अनु कंपटीशन कैसे जीतेगी? और वो जो ये कह रही है कि शायद जज के सामने बोल रही है, अनुज को अनु की आवाज़ सुन ली और देख भी लिया। सही है, हर माँ की हार होगी, जो घर से बाहर कभी नहीं निकली ही नहीं है, हर उस औरत की हार होगी। इसलिए मैं हार नहीं मान सकती हूँ। इसने पुलिस में ये आयुष को पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए थी, तब इस वनराज के खिलाफ तब तो बड़ा मजा आएगा। अनुज और अनुपमा का प्यार कान्हा जी और मीरा जी जैसा है। देविका ने एक बार कहा था कि अनुपमा महान है इसलिए रोती रहती है, तो तू इंसान बन ताकि उसे खुश रख सके। आज वो भी बात याद आ गई। और सच में इस दोस्त ने कुछ ना कुछ तो कांड जरूर किया है, बहुत बड़ा, जो हर बार सिर्फ पैसे दे दो कहता रहता है। लेकिन एक दिन ये वनराज बाकी और दोस्तों की वजह से खून के आंसू रोएगा और तब वो अनु के पैर में गिरकर माफ़ी भी मांगेगा कि तुम सही थी मैं गलत। जितना प्यार से तुमने अपने बच्चों को बिगाड़ा है, अब उसका उसकी गलती को भी भुगतो और भुगतना ही पड़ेगा तुम्हें। सच में आज अनुपमा ने जजेस को जो कुछ भी कहा, सच में बहुत अच्छा लगा। एक एक बात सही कही, उसने एक माँ को रिप्रेजेंट किया है कि माँ हर कुर्बानी देती है। वो बेटी है, बेटी थी, बहन थी, माँ थी, बहू थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक औरत है और हर औरत को अपने सपने पूरे करने का हक होता है। सच में आज जजेस की जो बातें और अनुपमा का जो कॉन्वर्सेशन दिखा है, बहुत अच्छा लगा। और महिमा, तुम्हारे प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी तरह तरक्की करती रहो, यही प्रार्थना करती हूँ। और अंजू जी, हंग्री स्पिरिट की वजह से हम सब एक दूसरे का दुख बांट सकते हैं और एक दूसरे को दुख बता भी सकते हैं, इसलिए थैंक यू सो मच। आपने मेरे दर्द को आपने और मेरी बहनों ने बहुत अच्छे से समझा, इसके लिए आपको मैं दिल से थैंक यू कहती हूँ अंजू जी। थैंक यू सो मच अंजू जी। और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज के लिए इतना, कल बाकी का कहूँगी आगे के रिव्यू देखकर। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू। सच में आज अनुज और अनुपमा के टकराने वाला सीन बहुत अच्छा लगा। और हाँ, अनुपमा को Bollywood.com का अवार्ड मिला है, जो इसका तीसरा साल है। और अनुज को यानी गौरव को Bollywood.com का परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है, बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है। इसलिए थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। और उन्होंने कहा है कि जो ट्रोल करते अपनी ज़िंदगी के 5 मिनट निकाल के हमें ट्रोल करते, उससे भी ज़्यादा मान फैंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम ट्रोल करने वाले और प्यार करने वाले को सबको सर आँखों पर रखते हैं। और रूपाली का भी कहना यही था, सेम टू सेम, एक इंटरव्यू में दोनों को दिखाया है। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदिनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है, और उन सभी का धन्यवाद जो हमको कमेंट्स करते हैं। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा, पॉजिटिव एनर्जी मिली, कम से कम रोना धोना तो ख़त्म हुआ। श्रुति ने बताया कि स्पाइस एंड चटनी बंद होने वाला है। अनुज को अनुपमा की कही बातें याद आ रही हैं और लोन के बारे में श्रुति ने बताया अनुज को कि स्पाइस एंड चटनी में लोन लिया गया था। श्रुति अनुपमा के लिए केयर कर रही है या अनुज को हर्ट कर रही है, ये नहीं पता। वो कह रही है कि अब अनुपमा का क्या होगा। वनराज भड़क रहा है अनुपमा पर तोसू के सामने, और तोसू इनोसेंट बनकर दिखा रहा है क्योंकि डिम्पी ने कह दिया है कि हमको हिस्सा नहीं चाहिए। तुम नहीं भटकने दोगे माँ बाप को वनराज, पर तोसू भटका सकता है। और वनराज का कहना कि अनुपमा को बीच में बोलने का कोई हक नहीं है।
और सही है वनराज शाह, अब अपने लाडले का किया झेलो, बाबूजी पर अटैक हुआ है। अब भाभी जी की नोक झोंक अच्छी लगी, दोनों को मसाला चाय चाहिए। अनुज आया है स्पाइस एंड चटनी में, और वनराज का सही डिसीजन पुलिस स्टेशन आने का। और लो वनराज शाह अपनी दूसरी लाडली की करतूत देखो, बहुत अच्छा किया वनराज शाह, बहुत अच्छा वनराज, बाकी को बता ही दो कि कैसे बाप हो तुम सच में। कुछ तो मज़ा आएगा कम से कम, इस नकचड़ी पाखी की अकल ठिकाने ही आए। आरुष बेइज्जत होकर चला गया, ये रूप अच्छा लगा वनराज का आज। अनुज ने दीपू से स्पाइस एंड चटनी खरीदने को कहा और कहा कि मुझको गलत मत समझना, मैं रेस्टोरेंट को बचाना चाहता हूँ, बस मालिक आप थे और आप ही रहेंगे। आप और दूसरा ऑप्शन है कि आप लोन भी ले सकते हैं मेरी कंपनी से, जो टाइम रहते आप चुका दें। क्या बात कही अनुज ने, अनुपमा के कदम जहाँ भी पड़ते हैं वहाँ बहुत बरकत हो जाती है, बहुत अच्छा लगा सुनकर। मैं खुद से ज़्यादा अनुपमा को जानता हूँ, ये भी सही बोला अनुज ने। अनुपमा आप और मैं, हम तीनों ही रेस्टोरेंट को बचाना चाहते हैं, अगर आपको कोई और इन्वेस्टर्स मिल जाए तो ले लीजिए, वरना मैं हूँ। दीपू देख कर रह गया अनुज को ये बातें सुनकर। अनुज अनुपमा आपस में भिड़ गए, ये सीन अच्छा लगा। और बा होती कौन है अनुज पर कमेंट्स करने वाली, बहुत बोलती है ये बा। और बीजी आशीर्वाद दे रही है अनुपमा को, और बा हमेशा टांग खींचती है अनुपमा की। ऑडिशन के लिए अनुपमा को जाना है, सब ने मन से आशीर्वाद दिया और बा ने ऊपरी मन से। ऑडिशन स्टार्ट, अनुपमा कान्हा जी से हिम्मत मांग रही है और अनुपमा को सब की उड़ाई खिल्ली याद आ रही है। जजेस अनुपमा जोशी बुला रहे हैं, वो नहीं सुन रही। अनुपमा अपनी डिश देती है जजेस को, एक जज मुंह बना रहा है पर दो जज ठीक हैं। अनुपमा अपनी डिश के बारे में समझा रही है, भारत की तरफ से मिठाई प्लीज़ टेस्ट करिए, फिर क्या होगा, सब दीवाने ही होंगे और क्या। अनुपमा की तो चल निकलेगी, और सबसे पहले औरत हूँ, बहुत अच्छा बताया अनुपमा ने, आज अच्छा लगा बहुत ये सब देखकर। बहुत अच्छे से समझाया अनुपमा ने जजेस को अपने बारे में। और माँ अन्नपूर्णा देवी सुनकर, एक जो खड़ूस जज है, कुछ अलग रिएक्शन। माँ बच्चों के लिए बेस्ट सेफ होती है। अनुपमा अपने फ्लो में बोलने लगी हिंदी में ही, इस शो की भाषा स्वाद है, बिल्कुल सही कहा अनुपमा ने, और मैं यहाँ जीतने आई हूँ, और अब तो तुमको कोई नहीं रोक सकता जीतने से अनुपमा। और प्रीकैप में देखा अनुपमा के चोट लग जाती है, वो दिया से कह रही है कि डॉक्टर के पास ले चलो, मेरा कंपटीशन है। और उधर आध्या के भी पैर में चोट लगी है, वो भी वहीं है, दोनों अगल बगल में। अनुज ने देखा अनुपमा के हाथ में चोट, पर दृढ़ निश्चय के साथ तैयार कंपटीशन में जीतने के लिए। अब सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अंजू जी, आपको, आप सभी को मेरे तरफ से मेरा प्यार भरा नमस्कार। रानी जी, इतने मोटिवेशनल कमेंट के लिए थैंक यू सो मच आपको दिल से। और जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा उनको सबको दिल से थैंक यू। अंजू जी, मैंने आज कल का आपके वीडियो देखा था कि अनुज के सब्र का बांध टूटेगा। पहले भी एक बार वो टोक चुका था आद्या को, पर अभी उसे लगा था कि आद्या सुधरने लगी है, लेकिन नहीं, आद्या ने आज फिर उसे निराश कर दिया। और छोटी सी बच्ची से जलेसी कर रही है, और बस शाह से आप आखिरी बार मिलेंगे इस तरह से, तो ये अनुज कब तक सहेंगे ये। और आज का पहला वीडियो देखा आपका कि अनुपमा के बाद वनराज को चोर तोशु और अय्याश पाखी लूटने की कोशिश करेंगे, उसमें भी आपने बहुत अच्छे से बताया कि एक ना एक दिन वनराज शाह को अनुपमा के सामने माफ़ी मांगनी आनी ही पड़ेगी, और कहना ही पड़ेगा कि अनुपमा तुम बचपन में इन बच्चों को डांटती थी, तुमने मुझे डांटा, मुझे मैंने इनको रोका, तुमको रोका नहीं होता तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। और वो बापूजी के बारे में उस वीडियो में आपने जब अच्छे से बताया कि बापूजी के बारे में वो बता रहा था, तब वनराज की बातें सुनने में तोशु को कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, और वो बस इन लोगों को पैसे, सिर्फ पैसे का झोल नहीं है, उस वीडियो में आपने ये भी बताया कुछ और भी बड़ा कांड किया है तोशु ने, तो कहीं मेरी ये ज़रूरत है इस तरह का कुछ तो नहीं है ना अंजू जी उसका।
जिस तरह से उसने किंजल की प्रेगनेंसी के समय में किया था, तो ये अभी एक कोई घर का होता है जो जैसे तोशु है, तो उसे ना किंजल ना परी ना किसी और की चिंता है। ये लोगों को सिर्फ बोलता है कि मुझे चिंता है, लेकिन ये तोशु वनरक्षा से भी कुछ नहीं सीखा। वनरक्षा भले अनुपमा या घर की औरतों को दबा कर रखता है, लेकिन घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भी वो मुंह नहीं मोड़ता है, ना ही बीवी के टुकड़ों पर ऐश करता है वनरक्षा। तो ये तो तोशु को तो जब किंजल की किडनैपिंग के बारे में पता चला तब भी उसने कुछ नहीं किया, और आज बापूजी घायल है। तो क्या अंजू जी, मेरा प्रश्न है कि बापूजी को इन लोगों ने पूछा कि आप अकेले आए हैं, आप सबके साथ गए थे तो अकेले कैसे? तो क्या किंजल काव्या और डिम्पल और बच्चे ये सारे के सारे किडनैप हो गए हैं कि क्या है? और वनरक्षा और बा को तो मैं बिच्छू से भी ये लोग गए गुजरे हैं अंजू जी, क्योंकि बिच्छू जब भी वो होता है उसके साथ कुछ भी अच्छा करो पर वो डंक मारना नहीं छोड़ता। तो ये लीला बा इसी तरह से स्पाइस एंड चटनी में भिखारियों की तरह चली आई, चाय पिला मेजे, और अनुपमा के हाथ की चाय पीने के बाद भी बोलती है कि इसमें शक्कर कम है, ये मुफ्त क्या किंजल के घर में? बा आपको चाय भी नहीं मिली क्या? आपने अपने हाथ से बनाना भी नहीं? यहाँ एक नौकरानी मिल गई है, और बा ने कभी क्या बा आपके सामने डॉली बहन होती तो इस परिस्थिति में आप उसका भी ऐसा ही सोचती? और अनुज को देखकर बा ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि ये क्यों यहाँ चाय पीने चला आता है, और इसे कहो कि अपनी पत्नी को संभाले। और अनुपमा जैसे ही ऑडिशन देने जाने के लगी तो उस समय बा का बड़बड़ाना, अंजू जी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तुझे तोशु और वनराज ने इतना समझाया फिर भी तुझ पे भूत सवार है। यहाँ तक कि स्पाइस एंड चटनी वालों के स्टाफ ने विक्रम जी, राहुल जी और यशदीप जी, बी जी, इन सब ने अनुपमा को बधाई दी, लेकिन ये बा के मुंह से इतना भी नहीं फूटा। पर बा को लगा कि बीजी ने बधाई दी है तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं, इसीलिए फॉर्मेलिटी निभाने के लिए। तो कल आपको अनुपमा ने जब आपके हक में बोला तब आपकी आंखों में आंसू, तो क्या मगरमच्छ के आंसू थे बा? और श्रुति का जैसे कि आपने ऑनलाइन कमेंट में भी, मैं आपका वीडियो अभी देख ही रही थी, तो आपने उसमें बताया कि श्रुति का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या अनुज से सच्चे दिल से प्यार करती है, कोई बदला लेने आई है, क्या दिखावा कर रही है और बार बार अनुज को चिंता करने के लिए मजबूर करती है। अंजू जी एक प्रश्न है मेरे दिमाग में कि स्पाइस एंड चटनी में अभी विक्रम जी और इन लोगों को नहीं मालूम है कि स्पाइस एंड चटनी पर इतना कर्जा है, पर दूसरे इनके कस्टमर को मालूम है, यानी श्रुति जैसे उनको मालूम है, और श्रुति अनुपमा के बारे में बोल रही है, अनुज को शायद याद भी आया कि अनुज ने कुछ सुना था कि यशदीप जी से अनुपमा कह रही थी कि आपका ये रेस्टोरेंट नहीं होता तो पता नहीं क्या कितने रात मुझे अनजान शहर में रास्ते पर निकालनी पड़ती, और अनुपमा के लिए अनुज यहाँ यशदीप जी से मिलने आए और वहाँ उससे जाकर उन्होंने बात की कि मैं आपकी ये ख़रीदना चाहता हूँ रेस्टोरेंट, लेकिन ऑनर आप ही रहेंगे। ये यशदीप जी की बात मुझे आज बहुत अच्छी लगी कि ऑनर आप ही रहेंगे, और यशदीप जी ने जाते समय बोला कि आप इतनी चिंता कर रहे हो तो मैं अनुपमा के लिए चिंता कर रहा हूँ, अनुज ने ये भी कहा, और अनुपमा को पता चलेगा तो ये रेस्टोरेंट उन्होंने ख़रीदा तो वो यहाँ काम नहीं करेगी। अनुज ने कहा मैं सही बात है, मैं जानता हूँ, पर अनुपमा को नहीं पता चलेगा, और अगर आपको कोई और इन्वेस्टर मिलता है तो आप रख लीजिए या आप। और अनुज की एक और बात मुझे अच्छी लगी कि अनुपमा के जहाँ भी कदम पड़ते हैं वहाँ पर बरकत होती है, तो आप ये लोन समझ के लीजिए और मुझे ब्याज के साथ में देंगे। सच में ये बात अनुज की मुझे दिल को छू गई। और वनराज का बस ये औरत और तोशु को तो सिर्फ पैसे से मतलब है, तोशु को बस यही है कि कुछ भी हो जाए मेरे मुझे मेरा हिस्सा दे दो, फिर आप
आप और आपका परिवार जाओ तेल पीने, और वनराज शाह बापू जी को चोट लगती हुई देखकर पुलिस स्टेशन जाने की कोशिश कर रहा है तो उसमें भी उसको रोक रहा है। उधर पाखी का मिलना, तो पाखी को वनराज ने थप्पड़ मारने के लिए बोला और उसने आरुष को थप्पड़ मार भी दिया। ये आरुष है अनुज या तपिश नहीं, कि जिनमें इतनी औरतों की प्रति रिस्पेक्ट भी करते थे, वो लोग प्यार तो करते थे रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन ये अब आपको दिखाएगा दिन में तारे। वनराज शाह आरुष आपको दिन में तारे दिखाएगा कि आपने उस पर हाथ उठाकर सही किया या गलत किया। अब आप में गैरत होना तो अनुपमा से मिलने मत जाना। और उधर अनुपमा ऑडिशन देने के लिए गई तो बाने जाते समय उसे ये वनराज और तोशु का नाम देकर एक तरफ से अनुपमा के लिए अपशगुन ही कर दिया था, लेकिन फिर भी अनुपमा वहाँ गई और अंधेरे से एकदम से बाहर आती हुई, और अनुपमा को पाखी और तोशु के शब्द याद आते ही वो थोड़ी सी टेंशन में आ गई। तो इन लोगों ने बोला कि अनुपमा जोशी, अनुपमा जोशी तो तुम यहाँ हो इस समय। अनुपमा का ये जवाब थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर गया कि अनुपमा ने यह कहा हाँ मेरे हाथ पैर कान नाक सब यहाँ है, लेकिन अनुपमा आप मन से वहाँ नहीं थी उस कुछ सेकंड के लिए। पर अनुपमा को जैसे ही अपना लक्ष्य याद आया अनुपमा आ गई, और अनुपमा ने भले उसे भाषा नहीं आती लेकिन उसने जो भी जवाब दिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में दिए। और यहाँ क्यों हूँ मैं, एक लक्ष्य के लिए हूँ, और यहाँ पे मैं एक माँ हूँ, माँ को सारे आते हैं तो, और भाषा से और खाने स्वाद का कुछ लेना देना नहीं होता है। और शाही टुकड़ा के बारे में बताया कि ये इंडिया की इतनी अच्छी मिठाई है, दो तीन में से एक जस को अनुपमा की ये मिठाई शायद पसंद नहीं आई, लेकिन दो को पसंद आई है। अनुपमा आगे बढ़ेगी, और अभी आपका जो दूसरा वीडियो आ रहा है उसमें आपने बहुत अच्छे से बताया होगा कि अनुपमा एक हाथ से जीत की लड़ाई करेगी और अपने आपको जीत के दिखाएगी अपने आप को कि बस उसका निराधन एक है। और बा ने अनुज से, अनुपमा जैसे ही टकराई तो अनुज के बारे में बा ने बीजी से कहा कि ये अपनी बीवी पर क्यों नहीं ध्यान दे रहता है और यहाँ चाय पीने क्यों चला आता है। बा आपको क्या लेना देना है इन सब से, और क्या आपकी डॉली बहन होती तब भी आपकी सोच इतनी ही घटिया होती। भगवान न करे आपकी डॉली बहन पे, डॉली बहन इतनी अच्छी है लेकिन आपकी डॉली बहन पे कभी कोई तकलीफ आई तो क्या तब भी आपकी यही सोच रहेगी। अंजू जी आज मुझे बा को देखना ही नहीं था, अब मैं बा और किसी भी साहस को नहीं देखना चाहती, पर ये कहानी साहस के ही आसपास ही घूमती रहती है। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो एंड गुड इवनिंग अंजू मैम, हाय टू एवरीबॉडी देयर, ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू ऑल फॉर लाइकिंग माय वीडियोस एंड फॉर लाइकिंग माय रिव्यूज आल्सो, थैंक यू फॉर ऑल द लवली कमेंट्स, एंड मिस टीना एंड मिस मनीषा थैंक यू very much for always asking about my health. I am getting better day by day, but I have a severe inflated asthma, so it's going to take time. But thank you for your love and for everybody's love back there at Hungry Spirits. Yeah, so about today's episode, it was really interesting today as we finally could see a lot of confidence in Anupama, and you know, we now see that she has a goal in her life and she has you know, a step towards her dreams, and it looks like she's going to work very hard. So continuing with the episode of Anupama, it started where Anuj and Shruti are talking, and Shruti informs Anuj about Spice and Chutney closing due to bankruptcy, and because of a huge loan that his Deepu's brother had taken. And Anuj is shocked to hear this,
And then, you know, she says that, oh, I am, you know, worried. It is my favorite restaurant. And what about the employees over there? And especially Anupama. What about Anupama? That means she has to go back to India. Look at her. She's taunting in a very bad way. This Shruti is a very sweet devil. You know, she is acting as if she is innocent, but she's here and there, she's taunting Anupama too. Yeah. So then the scene goes to, you know, where Anuj is really worried after hearing what Shruti just said about the closure of, you know, spice and chutney. And then the scene, next scene is about Vanraj and Toshu. They are sitting together and discussing about the property, and Vanraj is explaining that I don't have a problem to give Dimpy a share of the property, however it's not going to be on her name but her son's name, as it is Summer's son. And you know, if she wants to go and marry Titu, she can go, but I'm worried that Titu will brainwash her and take away the share. And then, Toshu ki tries to explain, and suddenly, Bhabuji comes all hurt and, almost falling. And Vanraj gets hyper because I know he loves his father a lot. And then his father explains there is a small note in his pocket to take it out. Yeah, so then... Vanraj takes out the note from Babuji's pocket, and it says, "Now your family has to pay for it." So it's obviously the goons. And then Vanraj gets very upset, and they show them in front of the police station where he's going to report the goons. And Toshu's stopping him and saying, "No, you cannot go now. And now you would know, Vanraj, how much you troubled Anupama when she wanted to arrest us. So now face your children's crimes. Now you will learn your lesson, how your children are. Deal with them now." And then he's very angry that his father has been treated like this. And then Toshu says, "All we have to do is give them back your money. Do not report them to the police." And And then Vanraj sees Paki flirting with her, a college mate. And he gets so upset, and he goes and he pushes him down, the college mate. And he says, "Stay away from my daughter." And, he says, "You can't mishandle me. This is not India. It's America. I'll call the police." So then Vanraj will say, "Yeah, the police station is right in front. Come on, let's go." By the way, in New York, you do not need to go to the police station. You just have to call 911. Everywhere they will come. Anyway, and Vanraj is very angry on Paki. Yeah, so Vanraj then gets very angry with Paki and, tells her that behave yourself and stop this. You've not seen how bad a father I can be. And he tells her, college mate, get lost from there. And Toshu's pulling her. "Now, Vanraj, please face your music of your children. All this time you used to taunt Anupama, she's a bad mother. Now let's see how good a father you can be to them. Every dog has its day, there is a saying, right? So you are going to see your days now. Your numbers are up, Vanraj." So then there's a scene where, Ba goes to Anupama's restaurant, and then a small little again, talk between Deepu's mom and Ba, and, they are again arguing with each other. Deepu comes, makes them, settle down, and he's hoping Anupama will come, but Anuj walks in. Anuj tells Deepu he wants to talk to him, and Deepu thinks that, he wants to talk something about Anupama. But then Anuj tells him that I'll get to the topic straight, that he wants to buy out the restaurant and invest in it. And he says, I'll give you two options. So Anuj gives Deepu two options and says that you can take
a loan also on interest from me, from my company, or you can, you know, I can invest in the company. You will be the owner. You will run the show. I will just be the investor. And then Deepa will ask him, may I ask you, why are you interested in Spice and Chat? Is this because of Anupama? So, you know, Anuj would say, yes, of course, it is because of Anupama. She likes this restaurant. And so Deepu says, "What? Why are you taking decisions from your heart?" So he says, yeah, I am taking a decision from my heart. You might be thinking I'm a fool or, you know, someone emotional, but this is important to Anupama and to all of you too. So these are my options. If you do not find an investor in the market, you can search in the market. If you get an investor, fine. Otherwise, I am there. And Deepu will say, yeah, I understand. So you do not want Anupama to know that you are investing in this in the property. So he says, yeah, because she will think that you are trying to pry in her life. And Deepu says, right, yeah. So you know, then Deepu says, it's okay, I'll give me some time, let me think over it. And while Anupama is outside serving tea, she will be also with tension, worried what is Anuj speaking. And then she just turns and she bangs into Anuj, and there's a little moment over there, but he leaves and she turns and she looks at him. The best scene now is the competition, where Anupama stands. She is a bit petrified and, you know, terrified, worried, thinking of what all, you know, all of them put her down, Toshu, Vanraj and everything. And then the judge, one judge, that judge looks very grouchy and grumpy. Yeah, but some of the judges are like that. And then they, you know, kind of tell her to explain, and she doesn't understand at the beginning what they are trying to say. Then the lady in between knows a bit of Hindi, so she tries to explain. And then she says, Anupama tells them that she's brought a dish and she asked them to taste the dish. Then they tell her to explain what the dish is and what inspired her to create this dish. And she speaks all that in her broken, but why are they showing Anupama as in broken age? She went for English classes. She lived with Anuj. Anuj was educated from the US. Didn't she learn anything? She went to college too. And still they are portraying her as a person who cannot speak English at a, you know, at least intermediate level. If she's not at a professional level, she should at least know by now quite a few good words. Anyhow, directors are not looking into any of these details. So Anupama then explains about the dish in half Hindi, half English, and then they ask her to talk about herself. She tells about, you know, a big lecture about women in India. But in India now, not all women are cooking. There is a lot of progress. Men and women are cooking, but yeah, mainly it is the woman's job. I understand she's trying to represent most of the rural part of India and women's conditions. And then the grouchy judge again gets upset. So yeah, I think that the grouchy, you know, guy did not like her dish. However, she'll speak, and she'll speak with confidence. They ask her the last question, and she says, I'm here to win. Of course she's there to win. And then it goes to the pre-cap where, while dancing, I think she sprains, fractures her hand. She asked the, you know, her lady partner there to take her to the hospital immediately. And in the hospital, even Aradhya is there with Anuj, and Anuj hears a cry and he looks, it's Anupama. But I'm pretty sure here that again Aradhya will show her possessiveness and pull her dad and take Anuj away from Anupama. And Deepu is the one again who's going to take care of Anupama. And Anupama, you know, will take on the challenge with her fractured hand to win the competition and do her best. Of course she will do her best, because she has to win. So hoping for tomorrow, but tomorrow's episode also is going to be really very sad.
again Anuj is going to choose his daughter over Anupama. Confused person. I don't know what he wants to do in life. Directors, what are you trying to show? You show Anuj once trying to buy out a restaurant for Anupama, and then she really needs his help and he's only going to lean towards his stupid possessive daughter and Shruti. Anyway, thank you, ma'am, for this opportunity. Thank you all. Love you all. Good night. Hello, Anjuji. आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते. इसके वनराज की और तोशु की बातें चल रही होती है. उस एनओसी पे साइन नहीं करा और शर्त पे अनुज वनराज का गुस्सा अनुपमा पे. ये औरत को समझती क्या है, ये औरत ऐसी है, वो औरत वैसी, हमेशा की तरह. मैं क्या मेरे माँ बापू जी को सब कुछ बेच के, उनका घर बेच के उन्हें रास्ते पे छोड़ दूंगा क्या? मैं क्या अपने बापू जी से प्यार नहीं करता क्या? पर वनराज अनुपमा ने भी जानती अच्छे से कि तुम कितने अच्छे बेटे हो, वो जानते हैं. तुम्हारे लिए उसके लिए कोई ये सोचना है ही नहीं. तो उसने ये कहा था कि जिंदगी, उसने ये भी कहा था कि जिंदगी का भरोसा नहीं है और बच्चों का नहीं है ना. वो तोशु और पाखी के लिए बोल रही है कि कल मैं उनके पास कुछ नहीं रहा तो उनको कौन पूछेगा. जिंदगी का भरोसा नहीं, कभी कह नहीं सकता कि कब कौन पहले जाए. तो अगर तुम्हें होता है कुछ तो ये क्या तोशु और पाखी उस लायक है जो माँ बापू जी को संभाल ले? उनके पास भी अपना कुछ होना चाहिए क्या? ये लायक है उसके? ये बात वनराज को समझनी चाहिए ना कि जो बेटा जो इतना प्यार करता था वो बेटे ने 5 साल में एक फ़ोन नहीं किया तो कभी मेरे बाद मेरे माँ बापू जी को संभालेगी क्या? अगर कल मुझे कुछ होता है तो मेरे माता पिता को ये मेरा बेटा संभाल लेगा क्या, या मेरी बेटी संभालेगी क्या? तो ये समझना चाहिए था वो पॉइंट ऑफ व्यू अनुपमा का. पर नहीं, वनराज को तो उल्टा ही बोलना है भाई, गलत बोलना, अनुपमा गलत है. रही बात अंश को, तो अंश का हिस्सा भी वो मानना नहीं चाहता है. पर अंश को क्यों ना मिले, वो रहे वो उस पर डिम्पल पे शक्कर है. पर डिम्पल किसी की पत्नी बनेगी तो उसके पहले वो उस अंश की माँ है, ये क्यों भूल जाते भाई? वो अपने बेटे का, कोई भी दुनिया में कोई भी माँ अपने बेटे का साथ इतना गलत थोड़ी करेगी कि उसका जो घर रहेगा उसका जो हिस्सा उस घर में तो बेच देगी. ऐसा वो कभी नहीं करेगी. अपने बेटे का भविष्य, अपने पिता की आखिरी निशानी उससे वो नहीं छीनेगी. ये कैसे सोच सकता है वनराज जैसे लोग ही ऐसा सोच सकते हैं. सही में अब पता नहीं इसके अक्ल कैसे आएगी. बापूजी घर में आए तो बापूजी को उन गुंडों ने अटैक किया, समझ में आता है, धमकी दी. फिर अनुज का, फिर इधर अनुज और श्रुति का सीन दिखाते हैं. श्रुति आज भी समझ में नहीं आई, आज तो बिल्कुल भी नहीं आई कि क्यों ऐसा सब बातें करी. अनुपमा का नाम बहुत स्मार्ट गेम खेल रही है, पता नहीं पॉजिटिव या नेगेटिव. अभी आज तो फिर से श्रुति ने थोड़ा कंफ्यूज किया, पर हाँ स्मार्ट गेम तो करी. मुझे लगता है अनुज के मन में पॉइंट बनाने की कोशिश करी और ज़्यादा, ताकि एक भी ऐसा ना छोड़े. अनुज को सोचना ही नहीं देगा अगर किसी ने गलती से भी श्रुति के बारे में कुछ बोला तो अनुज सोच ही नहीं पाए कि श्रुति गलत है, क्योंकि वो अनुपमा की सगी है. ये दिखाना चाहती है, मुझे भी ऐसे ही लगता है, ये थोड़ा सा ऐसे ही लगा, इस ज़्यादा तो ये लगा. फिर अब देखेंगे आगे इसका. बट आज स्पाइस एंड चटनी में पहुँच गई. वहाँ पे बीजी भी है, दोनों की वही नोकझोंक, प्यारी प्यारी वाली नोकझोंक. और जहाँ वो बेटी बोलती तो बा को लगता है नहीं, मेरी सबसे पहला हक अनुपमा का उन पर ही है, उनको ऐसे ही लगता है. और बार बार अनुज को ताने भी मार रही है. इससे अनुज का वहाँ पहुँचना स्पाइस एंड चटनी में, हमने कल देख ही लिया था. पर वो स्पाइस एंड चटनी को बचाना चाहता है, खरीदना चाहता है. उसने वो अपना प्रपोजल भी रखा उसके सामने. दीपू ने डायरेक्ट नहीं नहीं बोला है ना, उसको समझ में आया, क्योंकि अभी उसके पास नहीं बोलने के लिए कोई वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वही वजह नहीं है कैसे ना बोले उसको. बहुत अच्छे से है ना, स्मार्टली, वो भी बहुत स्मार्ट है, अच्छा लगा वो भी. पर यहाँ दोनों की बातें बहुत अच्छी लगी मुझे. अनुज भी चाहता है कि स्पाइस एंड चटनी को बचाए, कहता हम तीनों ही है ना, अनुपमा भी, हम तीनों ही स्पाइस एंड चटनी को बंद होना नहीं देना चाहते. तो और उससे ये भी कहा कि अगर कोई और इन्वेस्टर मिल जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो सिर्फ स्पाइस एंड चटनी को बचाना चाहता हूँ. अनुपमा और बाद में ये भी कहा कि अनुपमा को अगर पता चलेगा तो, आप यही कहना चाहते हैं ना कि अनुपमा को पता चलेगा तो अनुपमा काम छोड़ देगी, तो क्या इसलिए वो कहता है कि कोई और ट्राई करो, नहीं है तो लास्ट में हूँ. बहुत अच्छा काम लास्ट में हुआ, बहुत अच्छा लगा वो. यानी मुझे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी लगी अनुज की. और ठीक है, वो किसी भी तरह से उसे प्यार करता है, उसको बचाना चाहता है, तो बात अलग है. वो उसका भी दिख रहा है. यहाँ मुझे लगता है कि इन दोनों के प्यार को कोई समझेगा, अनुज को कोई समझेगा, तो यहाँ दीपू समझेगा. दीपू जरूर यहाँ पे अनुपमा को ये बताते हुए नजर आएगा कि अनुज के लिए तुम्हारे लिए क्या है, क्या सोच रहा है. पता नहीं तुम दोनों के बीच में ऐसा वहाँ पे क्या हुआ था जो तुम्हें उसे छोड़ना पड़ा, ऐसा क्या है. पर वो आज भी तुम्हें
उतना ही चाहता है, उतना ही प्यार करता है, और वो बिल्कुल श्रुति के साथ कैसे खुश रहेगा, ये बात अनुपमा के मन में दीपू डालेगा, मुझे पूरा लग रहा है, पूरा 100% श्योर लगता है कि दीपू शायद बोलेगा कि अनुज श्रुति जी से शादी करके खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसका पूरा झुकाव तुम्हारी तरफ दिखता है, और ऐसे हालत में अगर वो शादी करता है तो कितने लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। हाँ, वो बोलेगी उसको खुद भी नहीं जी पाएगा यहाँ पे ऐसा, क्योंकि अनुपमा अभी यही जानती है कि अनुज मैं आने के पहले, जैसे आध्या की मुझसे कि मैं आने के पहले अनुज खुश थे, 4 साल से एंगेजमेंट कर ली थी तो अनुज खुश है, भले वो मजबूरी भी कर रहा है, कुर्बानी दे रहा है, ये भी समझ रहा है कि अनुज संभल जाएंगा, अनुज संभालेगा, अनुज अच्छा, अनुज ये भी जानती है कि अनुज बहुत अच्छा इंसान है, वो श्रुति के साथ गलत नहीं होने देगा इसी उम्मीद के साथ कि आगे बढ़ जाएगा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाएगा। पर जब वो देखे, वो जब ये डालेगी ना दीपू बात ये थोड़ा सा मन में, और फिर अभी हमने देख, हमको पता है कि एक प्रोमो भी जैसे दिखाते हैं कि आध्या की भी वो यानी नफरत दूर करेगी तो उतना ही करीब अनुज के आएगी, तो कहीं ना कहीं फिर वो समझेगी सोचेगी, ऐसा लगता है मुझे कि शादी रुकवाएगी शायद, ऐसा लगता है मुझे अनुपमा, पर अभी देखते हैं। पर अभी जैसे अनुज का फिर अनुपमा से टकराना, वहाँ से निकल जाना, फिर अनुज अनुपमा का जाना कंपटीशन के वहाँ पे, उसका आज वो बहुत अच्छा लगा वो पूरा सीन। अनुपमा पहले घबरा गई, डेफिनेटली पहली बार इतने बड़े मंच पे, इतना इंटरनेशनल लेवल पे उसकी जो कंपटीशन थी, तो वो उसमें थोड़ा तो नर्वस होना या थोड़ा डरना जाहिर सी बात है होता है, पर आज वहाँ पे एक और हिम्मत उसको मिली कि वहाँ पे जो थी एक जज थी लेडीज वो हिंदी बोलती थी, तो कहीं ना कहीं अनुपमा में वहाँ पे फिर एक कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैंने गलत भी हो गई तो मुझे यहाँ समझेंगे, क्योंकि उन लोग बाकी के उसकी बातों घूम रही थी तीनों की, वनराज तोशु और पाकी की वहाँ पे तुम समझ नहीं पाओगी, ऐसा नहीं कर पाओगी, वो नहीं ऐसा घबरा रही थी, पर एक उसको आ गया, हिम्मत आ गई, और फिर वहाँ से उसने बहुत अच्छे से जवाब भी दिया, उससे अपनी बनाई हुई डिश शाही टुकड़ा उसका भी उसने इंग्लिश मीनिंग बताया कि इंडियन की स्वीट है ये, और बहुत अच्छा लगा, रॉयल पीसेस वगैरह बहुत अच्छा लगा मुझे वो पूरा बात, उससे मैं माँ थी, बेटी थी, बहू थी, दादी थी, जो भी उससे इतने सारे अपने बताए कि मैं क्या थी वो सब बताया, और अभी मैं वुमेन हूँ बहुत अच्छा लगा, वो भी एक अच्छा है ना, फिर उससे कॉन्फिडेंस के साथ बताया, टूटी फूटी इंग्लिश, रुक रुक के हिंदी इंग्लिश मिक्स, ये सब उसका एक पर अपना बताने का तरीका बहुत अच्छा लगा, उसने हिम्मत दिखाई, अपना डिश भी दिखाया, फिर उसके बाद उसको सेकेंड लास्ट जो पूछते हैं सवाल की, जो कहते हैं कि तुम कैसे कर सकते हो ना, वो कहते हैं कि आप लैंग्वेज तो समझती नहीं हो तो कैसे समझाएंगे, तो उसने कहा था टेस्ट के लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा है, मैं जो बनाऊंगी, जो मैं कंपटीशन बनाऊंगी वो टेस्ट, मुझसे आपके टेस्ट के अनुसार आप जानोगे लैंग्वेज का क्या, वो एक बहुत अच्छा लगा सही में, दिल जीतने वाली बात वहाँ पर उसने ओके कहा भी एक लास्ट क्वेश्चन कि तुम यहाँ क्यों आई हो, वो वाला जवाब तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि ये जवाब होना चाहिए था, ये सबका हर किसी का ये जवाब होना चाहिए। बोलते ना कि वो अर्जुन का जब वो निशाना साधता है तो उसे सिर्फ मछली नहीं दी, सब किसी को कुछ दिखता, किसी को आग, किसी को कुछ, पर अर्जुन को सिर्फ मछली की आँख दिखती क्योंकि वेदना तो आँखों को था, उसे सिर्फ उसकी वो एक आँख दिखी, तो यहाँ वही लगता है कि अनुपमा ने वही कहा मैं यहाँ आई हूँ तो जीतना है, बाकी के जनरली लोग क्या कहते हैं कि मैं अपने आप को आजमाने आई, मैं एक बार कोशिश करने आई, मैं देखना चाहती थी, मैं समझना चाहती थी कि कंपटीशन कैसी होती है, इतनी बड़ी कंपटीशन एक बार सिर्फ कोशिश की, और बहुत से ऐसे सवाल होते हैं, बहुत से ऐसे सवाल किए जाते हैं, पर अनुपमा का एक के आंसर कि मैं जीतने आई, अगर जीत गई तो सारे अनुभव आ जाएंगे, दिख जाएगा, समझ जाएगा कंपटीशन क्या होता है, अपने आपको आजमाना हो जाता है, कोशिश मेरे बहुत अच्छा, बहुत सही हो, अब मेरे दिल को छू रहा कि वाकई में ये होना चाहिए आंसर, वहीं पे एंग शो की आज ख़त्म भी हुआ। पर एक और क्या था सीन मेरा बोलने का कि वनराज पुलिस स्टेशन गया उन गुंडों की कंप्लेन करने के लिए, पर तोशु रोक रहा है, पता नहीं अब तोशु के मन में और क्या चल रहा है, ये बात बहुत लगा कि तोशु को अब कंप्लेन करने में भी क्या प्रॉब्लम है, पैसे इसके पास है नहीं, फिर ये क्या चाहता है, पर पता नहीं क्या वजह हो सकती, पैसे दे देते पता नहीं, अगर देना होता तो वरना जब तक शायद देती था, जब उसने अपनी चैन दे दी, कुछ पैसे दे दिए, तो अभी पता नहीं वो क्या दिखा रहे हैं। और तोशु उसे फाइनली आज पाखी को देख लिया उस लड़के के साथ, वहाँ भी उसकी बहस, उसको धक्का देना ये सब, पर अपनी बेटी को समझाओ, देखते हैं ये वनराज में अभी क्या क्या मुसीबत है, पाखी का भी तो है ट्रैक, पाखी को सुधारना है, एक कोशिश तोशु पे अनुपमा ने कर ली, पर अनुपमा
अभी दोषों अपने ऊपर दोषों पर डिपेंड करता है, बाकी को भी कहीं ना कहीं करेगी वो एक। और अभी तो आध्या का नंबर लगेगा, मुझे लगता है आध्या का ही लगेगा नंबर। और जो प्रोमो में दिखा रहे हैं तो अनुपमा गिर गई है तो हॉस्पिटल पहुंच गई, कंपटीशन में उसको पार्टिसिपेट करना है उसके हाथ में अभी, और वो भी राइट हैंड में हो गया। इधर छोटी को भी शायद कोई आध्या को भी चोट लगी, वो भी पहुंच गई। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि वो पाकी की मिसअंडरस्टैंडिंग नफरत दूर करने के लिए आई, यहाँ वो शुरुआत होगी शायद, एक शुरुआत होगी कि यहाँ पर शायद अभी बार बार ये मिलेंगे या कुछ ऐसा, या फिर उसको लगेगा कि क्या चल रहा है, समझेगी उस बात को, अनुज भी बात करेगा अनुपमा से, ये सब ऐसा मुझे लगता है ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे देखते हैं अभी क्या होता है आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज अनुज को पता चल जाना कि रेस्टोरेंट बंद होने वाला है, उधर श्रुति का अनु से कहना कि अनुपमा का क्या होगा, कहीं अनुपमा को वापस ना जाना पड़ जाए। अनुज के होते हुए अनुपमा कभी भी कभी किसी मुसीबत में नहीं पड़ सकती, तभी तो वो अनुपमा के लिए दीपू से बात करने के लिए गया है कि मैं इस रेस्टोरेंट को ख़रीदना चाहता हूँ, अगर आपको ये भी मंजूर नहीं है तो आप मुझसे लोन ले सकते हैं। बट उसे ये भी पता है कि अगर अनुपमा को पता चल गया तो वो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करने देगी, वो सिर्फ अपनी अनु के लिए ही करेगा। जब उसे पता चला कि मेरी अनु रात भर सड़क पर रही जिस रेस्टोरेंट ने उसे शर्त दी रहने के लिए, ये कैसे अपनी अनुपमा का साथ ना दे। कल को अगर ये तोशु वनराज अनुपमा के कॉम्पिटिशन में रोड़ा अटकाएंगे, अभी तो अनुज को पता नहीं है कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है, बट जब भी अनुज को भी पता चलेगा तो वो अपनी अनुपमा का साथ जरूर देगा, चाहे पीछे रहकर ही दे बट साथ जरूर देगा। और उधर किंजल काव्य डिम्पी भी है जो अनुपमा का साथ देगी, वैसे तो अनुपमा अकेली ही काफ़ी है ये सब करने के लिए। आज फिर अनुपमा का अनु से टकराना अच्छा लगा, दोनों का एक दूसरे को देखना बहुत अच्छा लगा। आज बाव और बीजी की नोकझोंक भी अच्छी लगी, बट ये बाव कभी नहीं सुधर सकती। आज भी उसने कैसे अनुपमा से कहा कि तुझे अब भी जाना है ऑडिशन देने, तुम्हें वनराज और तोशु ने समझाया भी था। आज वनराज और तोशु का सीन देखा तो ये तोशु सिर्फ अपने मतलब के लिए ही वनराज के आगे पीछे फिर रहा है, जब तक इसको अपना हिस्सा नहीं मिल जाता तब तक ये ऐसे ही अपने बाप के साथ अच्छा बनकर रहेगा। आज बापूजी का घर में आना और उन गुंडों का बापूजी पर हमला करना, वनराज का कहना सही था कि पुलिस में कंप्लेन कर लेनी चाहिए, बट तोशु नहीं करने देता। आज ऐसे वनराज ने एक अच्छे बेटे की एग्जांपल सिद्ध की, बहुत अच्छा लगा। जो बेटा अपने बाप को धूप से बचाकर आप आगे खड़ा हो जाता था, वो आज अपने बापू को ऐसी हालत में कैसे देख सकता है, कैसे वो जाने दे इन गुंडों को। एक बात की दाद देनी पड़ेगी कि वनराज एक बहुत अच्छा बेटा है। दूसरी तरफ तोशु जिसने ये सब देखकर सब कुछ सुना, कोई उसे फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरा बाप क्या बातें कर रहा है, कि मैं कैसा बेटा हूँ जो अपने माँ बाप की कदर तक नहीं करता, सिर्फ पैसों के लिए ही बाप के साथ अच्छा बना हुआ है। आज पाखी का अपने दोस्त के साथ पकड़े जाना और वनराज ने उसे धमकी दी कि मेरी बेटी से दूर रहो, ये लड़की किसी ना किसी दिन अपने बाप के मुंह पर कालक जरूर थोपेगी। ये दोनों भाई बहन सिर्फ तब तक साथ में अच्छे हैं जब तक इन दोनों को अपना अपना हिस्सा नहीं मिल जाता, बाद में ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिर्फ पैसों के लिए। आज अनुपमा का ऑडिशन देना जज के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना बहुत अच्छा लगा। आज जज ने जो डिश के बारे में पूछा, अनुपमा का जवाब बहुत अच्छा लगा जो भी उसने दिए। पहले तो वो थोड़ी सी घबरा गई बट बाद में उसने अपना माँ होने का जज्बा सामने रखा। आज उसने जज के सामने जो जो सवाल के जवाब दिए बहुत अच्छे लगे। लास्ट में जो उसने इंग्लिश में जवाब दिया वो तो बहुत ही लाजवाब था। प्री कैम में देखा तो अनुपमा डांस करते 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 गिर जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। उधर आद्या के पैर में भी चोट लगी होती है तो दोनों माँ बेटी का दर्द से कराहना अनुज सुनता है तो वो अनुपमा को देखकर शॉक्ड हो जाता है। अनुपमा ये सब कुछ होने के बाद भी अनुपमा हौसला नहीं छोड़ेगी और ना ही हारेगी, चाहे उसके हाथ में चोट लगी है और वो जीतेगी और अपना हुनर जरूर दिखाएगी। नमस्ते, मैं शिवा बोल रही हूं। आज का एपिसोड देखा ठीक ठाक था। इधर श्रुति बोलती है अनुज को कि स्पाइस एंड चटनी बंद हो रहा है, पाल जी ने बहुत बड़ा लोन लिया था और उसमें शायद चुका नहीं पा रहे दोनों जन। अनुपमा की बातें समझ, पहले वाला फ्लैशबैक में जाते हैं तो
वो सब चीजें रहती है उसको। सुरती बोलती है कि वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, कहीं अनुपमा को इंडिया ना जाना पड़े। जो ऐसे ही बेचारा परेशान है, अब तो पता नहीं क्या भूलती जाती है, कुछ समझ में नहीं आता यार उस लड़की को। लगता है इधर बनराज और तोशु का, तोशु बोलता है कि समर का हिस्सा पूरी फैमिली को मिलना चाहिए। बनराज बोलता है क्या समर का हिस्सा मैं खा जाऊंगा क्या, जो कुछ भी हो बच्चों का ही है। तो बनराज बोलता है कि समर का हिस्सा सिर्फ अंश को मिलेगा, उसका क्या भरोसा कि वो कब अंश को छोड़ के चली जाए, शादी करके चली जाए। लेकिन कोई भी माँ अपने बच्चों को छोड़ के थोड़ी चली जाएगी, क्या करेंगे फिर, अंश अभी बच्चा है कि लाइफ को सिक्योर मैं करूंगा। बोलता है कि मम्मी का डिसीजन सही है, तुम उस औरत क्या होता, अनुपमा भी तो बोल सकता है उस जगह पे। उसको क्या बोलता है, क्या उसको क्या लगता है कि मैं अपने बाप बापू जी को घर से निकाल लूंगा, ऐसा कभी नहीं कर सकता। जब बापू जी छत पे सोते थे धूप आती थी उनके ऊपर, तो मैं उधर सामने खड़ा हो जाता था क्योंकि उनको धूप ना लगे, तक बापू जी आते और उनको चोट लगी रहती है। नो ये फैमिली विद, वो फैमिली से रिजवेंस लेंगे ये लोग गुंडे लोग। राज को तो इंडिया में इतना बड़ा बिजनेसमैन दिखाया, तो पैसा नहीं भर सकते अपने बेटे का। इधर बाका और बीजी का सीन दिखाया नोकझोंक वाला, इसका पूरा बेड़ा गर्व कर दिए कि इंग्लिश आपके दुकान पे आते ही ना परलोक सिधार गई। जी बोलती आप पैसे लेके आए हैं, बोलती है कि मेरी बेटी यहाँ पे काम करती है तो मैं पैसे क्यों दूँ, मेरी बेटी मेरे से पैसे थोड़े लेगी। इतना लड़ते उधर यशदीप सर परेशान हो गए एकदम से, तब तक अनुज आ जाता है रेस्टोरेंट में। इधर पुलिस स्टेशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, तो वो तोशु बोलता है कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए, तो बनराज बोलता है कि मैं कंप्लेन करने आया हूँ उन लोगों के खिलाफ, वो गुंडे बहुत खतरनाक है, हम डर के जीते रहे, कंप्लेन करना चाहिए था लोगों को। पापा आप कितने से लड़ लेंगे, एक से कि दस से, दस से तो नहीं लड़ पाएंगे, उनकी तो गैंग है पूरी, हमें उनके पैसे वापस करने पड़े। इतना सेंसिबल बन के तो सुई अभी सोच रहा, पहले सोचना चाहिए था उसको। सच में पाखी कितने बदतमीज है, क्या कहने इस लड़की के। बनराज आता है और वो लड़के का कॉलर पकड़ लेता है, तो मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई, ऐसी हालत करूंगा तो घर जाने लायक नहीं रहेगा, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दूंगा तो सीधा जेल में जाओगे। पाखी बोलती है प्लीज काउंट डाउन, पाखी जब छुड़ाने जाती है तो बनराज बोलता है थप्पड़ मारूंगा अभी सही हो जाए, सॉरी सबके सामने। राज को पाखी को समझाना चाहिए था, तो उल्टा उस लड़के से उलझ पड़ा हो। पाखी इतनी बदतमीज है, कभी भी सुधर नहीं सकती। वो लड़का उसके फादर को ऐसा बोला हो और वो छुप उधर बोलती है शांत हो जाओ, उसका प्यारी उसके बच्चे लोग को बिगाड़ के रख दिया। जो बनराज का सीनरियो समझ में नहीं आता, फादर में उसने वही सब किया कि मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने बच्चे लोग से, तो लोग की गलती भी थी नहीं और सकती, आप प्यार करते हो नो डाउट, मैं बहुत अच्छा फादर हूँ, हर बार अपने बच्चे लोग को सपोर्ट करता हूँ, आप अपने बच्चे की हर गलती पे सपोर्ट करते चले जाते हो। एक अच्छे फादर के अंदर हर वो क्वालिटी होनी चाहिए, आप देखो कि आपके बच्चे के अंदर वो गलती है, छोटी छोटी गलतियों को माफ करने के चक्कर में बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ होती है बच्चे लोग से, तभी रोका जाए जब वो छोटी छोटी गलतियों को करते हैं, तभी पेरेंट्स लोग को रोकना चाहिए। आप अपने बच्चे लोग के लिए एक अच्छे फादर बने या ना बने, लेकिन एक अच्छे गाइडेंस बनिए, उन्हें सुधारने के लिए आपको बुरा बनना पड़े तो सब करना चाहिए। यदि आपके बुरा बनने से आपके बच्चे कुछ सीख जाते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है एक माँ बाप के लिए, वो आज आपसे नफरत कर सकते हैं, बस ज्यादा दो चार दिन बात नहीं करेंगे, दो चार महीने बात नहीं करेंगे, नहीं तो कल उनकी आपकी बातों का कुछ तो असर उन बच्चों पे हुआ होगा ना। तो बनराज का सिनेरियो बहुत बेकार लगता है, मेरे बच्चे हैं तो मेरे बच्चों को कोई ऐसी नजर से देख कैसे सकता, सॉरी मेरी बेटी को कैसे कोई छू कैसे सकता है। कभी कभी सामने वाले लड़के को ब्लेम करने से पहले खुद को देखना चाहिए इंसान को, तो उसकी इंटेंशन उस लड़के की क्या है, लेकिन उसको पाखी को समझना चाहिए। पहले अधिक के साथ देखता तो देखते ही भड़क पड़ता था उसके ऊपर। अनुज और यशदीप सर का सीन दिखाया जाता है कि मैं इस रेस्टोरेंट को खरीदना चाहता हूँ, मुझे गलत मत समझिएगा, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं स्पाइस एंड चटनी का मालिक बनूं, उसका ओनर बन जाऊं, मैं इसमें इस रेस्टोरेंट में अपना पैसा लगाना चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ ये रेस्टोरेंट बच जाए, सेव हो जाए, मालिक आप ही हैं और आप ही रहेंगे, रन भी आप ही करेंगे, फाइनेंशियल पार्टनर। मैं जानता हूँ कि बहुत टफ डिसीजन है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ विदाउट हस्बैंड, आपको मेरा प्रपोजल नहीं पसंद तो ऑफर और भी है कि आप मेरी कंपनी से लोन ले सकते, टाइम पे आप भर दें इंटरेस्ट के साथ, मैं इस रेस्टोरेंट को बचाना चाहता हूँ, आपको जो भी ऑप्शन सही लगे फाइन विद। दीप सर बोलते हैं कि आप मिस कबाड़िया, आपके लिए रेस्टोरेंट इतना आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, रेस्टोरेंट अनुपमा के लिए इम्पोर्टेंट है, इमोशनल रीजन के लिए कर, इमोशनल रीजन की वजह से कर, प्रैक्टिकल भी है, बात सही बोला कि अनुपमा के कदम जहाँ भी पड़ते हैं वहाँ पे दुगुना प्रॉफिट होता है, मेरा जितना भी मनी है डबल होके मिल जाएगा उसको, कि आप दिल से सोच रहे हैं और दिल कभी भी गलत नहीं होता है। दिल्लू आप क्या कहना चाहते हैं मैं जानता हूँ, यदि अनुपमा को पता चला तो स्पाइस एंड चटनी में मैंने इन्वेस्ट किया है, मैं पार्टनर बन गया हूँ या ओनर हो गया हूँ, वो यहाँ पे काम करना छोड़ देगी। एग्जैक्टली तो बोलता है अनुज की डोंट वरी, मैं खुद से ज्यादा अनुपमा को जानता हूँ, पर मैं मार्केट सिनेरियो को भी जानता हूँ, समझता भी हूँ।
एनीवे फिगर आउट, आपको दूसरा इन्वेस्टमेंट मिलता है तो दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिलता है, सॉरी इन्वेस्टर मिलता है अगर आपको दूसरा फाइनेंसर अगर है कि मैं कर सकूंगा, बस ये रेस्टोरेंट सेफ हो जाना चाहिए। अनुपमा और आप और मैं, हम तीनों इस रेस्टोरेंट को बचाना चाहते हैं। यदि आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा तो मैं हूँ। दीप सर बोलते हैं आई नो, मेरे को पता है। पहले अनुज अनुपमा को ऐसी चीज बोलता था कि अनु टेंशन मत लो मैं हूँ, हैव द गुड डे सॉरी। इधर बात चाय पी रहती बोलती है इसमें चाय में तो चीनी कम है। इधर अनुपमा घूमती है तब तक अनुज पीछे ही रहता है, चलता हूँ। क्या अनुज ने कितने अच्छे तरीके से बात किया, स्लाइडली बात किया यहाँ पे। फिर इधर बा का बदतमीजी चालू हो जाता है। कबाड़िया को यहाँ पे चाय बहुत पसंद है यहाँ का, जब देखो यहाँ पे दिखाई देता है। इसे कहो कि चाय पे चर्चा कम करे, अपनी पत्नी पे ध्यान दे। पता नहीं ये बा की प्रॉब्लम क्या है, बुढ़ापे में लोग अपने नाती पोता के साथ खेलते हैं और ये झगड़ा करने पे चालू रहती हैं। बोलने से पहले एक बार नहीं सोची कि अनुपमा पे क्या बीतेंगे। बाकी थैंक यू अंजू मैम, नमस्ते और सबको नमस्ते, थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं मैम क्या होता है, थैंक यू। अंजू मैम नमस्ते और मेरी सभी हंगरी स्पिरिट्स की फ्रेंड्स को भी नमस्ते। मैं रेखा सक्सेना बोल रही हूँ। आज का एपिसोड अच्छा था। आज अनुपमा की मास्टर शेफ बनने की जर्नी शुरू हो गई है। अनुपमा का टूटी फूटी इंग्लिश में बोलना और जजेस को इंटरेक्शन करना अच्छा था। ऐसा लगा जैसे हम एक सिंपल लेडी जो गिरती है, उठती है और फिर चल पड़ती है, उसको देख रहे हैं। रुकावटें तो बहुत आएंगी अभी अनुपमा के पास, लेकिन वो सब हर्डल्स को पार करेगी। दूसरी तरफ वनराज, वही गुस्सा, वही ईगो, वही अकड़ जिन बच्चों के ऊपर उसको प्राउड फील होता था, आज वही बच्चे उस वनराज का जीना मुश्किल कर रहे हैं। सही बताऊं तो अब मुझे बा कॉमेडियन लग रही है, ना हंसी आती है ना रोना आता है। बीजी हमेशा की तरह अनुपमा का हौसला बढ़ाती हैं और आशीर्वाद देती हैं। बा को बीजी से कुछ तो सीखना ही चाहिए। अनुज हमेशा की तरह एक जैसा ही कन्फ्यूज नज़र आ रहा है। श्रुति ने कहा तो स्पाइस चटनी एंड अनुपमा की चिंता होने लगी। अभी आध्या कह देती कि वहाँ नहीं जाना तो क्या करता अनुज, लेकिन आज अनुज यशदीप को समझाने में कामयाब हो गया। वो ना दिल के बस में है अनुज और ना दिमाग के बस में है। आज मैंने अनुपमा की जर्नी से अपनी बात शुरू करी क्योंकि ये आज सीरियल की यूएसपी है। प्री कैप में अनुपमा की पहली रुकावट आ गई है, कैसे कर पाएगी ये सामना। और लगता है कि अब माँ बेटी का सामना भी होना शुरू हो गया है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। आज बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते अंजू दीदी, गुड मॉर्निंग हमारी सारी बहनों को और हमारी सारी दीदियों को। एंड आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा, आई एम वेरी अप्रिशिएशन। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा अनुपमा का जो इंटरव्यू हो रहा था, फर्स्ट जो बोलते हैं कि इंटरव्यू होना, वो बहुत बड़ा अच्छा लगा। देखिए मतलब इज कॉन टू बी इसलिए कि आदमी एक बार जब ये पहले ये सब जो इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर्स होता है तो हिज कॉन्फ्रेशन मतलब डर लगता है आदमी को कि कैसे पार करूँगी। और एक इंडियन ऑनर्स को जो घर में हमेशा अपने फैमिली के लिए खाना बनाती थी, उसे थोड़ा तो डर लगता ही है। ऐसा नहीं कहूँगी कि मैम पूरा ही डर लगता है, पर डर लगता है। इस फिर कॉन्फिडेंस, और ये किचन का, ये किचन का है और मैं तो आर्किटेक्चर का है। सो मैनी मतलब एकदम सिमिलर तो नहीं है मैम, लेकिन मैं भी एक बिजनेस वूमेन हूँ, मतलब आई विल आर्किटेक्चर एंड अनुपमा इज अ कुकिंग पर्सन। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है देखकर कि मुझे अपना पल याद आ गया। सच बताएं तो इस मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि इतना अच्छा सोच, ओ माई माई गॉड। एंड आज का एक बात और कहना है मैम कि जैसे इसमें दिखाया गया है कि वो इंग्लिश में बात करती है और फिर वो बताती है कि मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, वीक पॉइंट है,
थोड़ा बहुत आता है थोड़ा बहुत नहीं आता है, तो वो बहुत अच्छा लगा देखकर। और वो माँ का डेफिनेशन देती हैं कि मैं भी किचन में थी और जो जो अपने मन की बातें शेयर करती है, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। इस कॉन्फिडेंट आता है आदमी को कि वो कैसे बात की जाती है और कैसे नहीं की जाती है, वो चीज़ झलकता है अनुपमा की आँखों से, वो बहुत अच्छा लगा देखकर। और तो और मैं अनुपमा के बारे में क्या बताऊं कि जिस तरह से ये किचन का ट्रैक दिखाया गया है, आप बिलीव नहीं करेंगे मैम, आर्किटेक्चर में भी ऐसे ही दिक्कत आता है। इट्स नॉट कि बड़े बड़े जगह पे जैसे कि दुबई में है, कैनेडाज में है, मतलब बड़े बड़े जो जगह जगह से फ्लैट बनते हैं या मॉल्स खुलते हैं, तो उसका भी प्रेजेंटेशन होता है, डिस्कशन होता है। तो अगर जो बनाते हैं वहाँ पे, जो खरीदते हैं, जो देना चाहते हैं, उनसे जब कन्वर्सेशन होता है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सबको इंडियन आता हो और इंग्लिश आता हो, और भी लैंग्वेजेस से। अब जैसे कि सवर्णियों में गई, दुबई गए थे, तो दुबई में उनका लैंग्वेज कुछ अलग सा ही था और वो मेरे को नहीं आता था। बिलीव मी मैम, वो लैंग्वेज थोड़ा सा मतलब एंटरटेनशन था, वो मैं सीखी नहीं थी, अब जाके सीख चुकी हूँ, लेकिन उस समय मैं नहीं सीखी थी। मुझे ऐसा एम्बैरेसमेंट लग रहा था, मैं बोल नहीं पा रही थी, प्रेजेंटेशन राइट था जो मैंने फोकस करके जो मैंने किया था कि कैसे करूँगी, पता नहीं दे भी पाऊँगी कि नहीं दे पाऊँगी, पर मेरे सर ने कहा कि यू हैव टू डू इट, तुम इंग्लिश में बोलना और जो भी है पूरा कॉन्फिडेंस से बोलना। तो मैंने वही किया और सच बता रहे मैम कि जो लेडी ट्रांसलेट कर रही थी वो लेडी बताई कि आपका जो डील है वो फाइनल हो गया। तो मेरे मन में आया कि डील फाइनल हो गया मीन्स कि सच में मैं वो लेडी हूँ जो मैं कर सकती हूँ। तो मैंने अपने घर में आकर सबको बताया कि यार लैंग्वेज इतना हार्ड था, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, और मैं हो चुकी। तो मेरे बॉस ने कहा कि सब कुछ सीखने के लिए एक बुक आता है, उसे डेली तुम बुक को कन्वर्सेशन करो, पढ़ो, समझ में आ जाएगा। और बिलीव मी मैम, वो बोलते हैं ना, कुछ करने के लिए कुछ पढ़ना भी पड़ता है, तो वही चीज़ मैंने किया। और आज सच में अनुपमा को देखकर मुझे अपना पल याद आ गया कि सच में बहुत खुशी हुआ। और तो और मैं कह नहीं सकती, श्रुति का दिखाया जा रहा था कि अनुज को बताती है कि स्पाइसी चटनी के बारे में कि स्पेशली अनुपमा को दिक्कत होगा। मैडम आप अपना टेंशन अपने पास रखिए, उसे इमोशनली ब्लैकमेलिंग और सब मत करिए, इसलिए उनके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है। चलो अच्छा है कि अनुज को अभी भी प्यार है, तो वो जाता है कि उसका सपना है और वो जानता है कि अनुपमा को वहीं पे शरण मिला था, तो वो गया और लोन के लिए बात किया और रुपीस देने की बात की कि मैं खरीदना चाहता हूँ। तो उस चक्कर में बोला कि मैं बताऊँगा नहीं बाहर में कि मैं लेने आया, मतलब मेरे से कन्वर्सेशन हुआ है, बात हुआ है। तो वो अच्छा लगा देखकर। और बा और बीजी का लड़ाई कोल्ड वॉर थोड़ा बहुत जो होता है उनका, वो भी अच्छा लगा देखकर। स्पेशली सबसे ज़्यादा मज़ा आया कि पाकी का जो लड़के के साथ जो अफेयर चल रहा है, पहली बार देखा है कि वनराज को थप्पड़ मारते मीन्स गले पे हाथ देते हुए, उसको वार्निंग करते देते हुए। और यहाँ पारितोष का जो दिखा रहा था कि जो गुंडों के साथ उनका उठना बैठना था, तो पैसे के लिए तो अपने पापा से फोर्स करते हैं कि पैसे के लिए देना है, और बापूजी के साथ जो हमला होता है वो वाला दिखाया गया, तो वो सबसे ख़राब लगा देखकर कि ये शाह फैमिली कभी नहीं सुधरेंगे। और कपाड़ियस फैमिलीज में जो श्रुति नाम की ग्रहण आ रही है, वो पता नहीं कब हटेगी। तो इस ये नेगेटिव के बारे में तो मैं बोलना नहीं चाहती, पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अनुपमा को कि बेस्ट ऑफ लक अनुपमा, हम लेडीज़ आपके साथ हैं और दुआ करते हैं कि आप जो इंटरनेशनल में ज्वाइनिंग है वो आप विन कर जाएँ। बेस्ट बेस्ट एंड लव अनुपमा, ऑल लेडीज आर बेस्ट ऑफ लक, कि जो बिजनेस करती हैं, सर्विस करती हैं एंड होम मेकर हैं, जो होम एंड हाउस वाइफ हैं, उन्हें नमन नमस्कार। एंड अनुजू दीदी, सच में आप जो पीछे में पिकॉक का आवाज़ आता है, पंछियों की आवाज़ आती है, बहुत अच्छा लगता है, सच में गुड मॉर्निंग अच्छा हो जाता है। एंड बाय, थैंक यू।
हेलो अंजू जी, दिस इज़ रीटा एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का शो ठीक ठाक ही लगा मुझे। शो की शुरुआत अनुज को पता लगता है श्रुति के थ्रू कि सोशल मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि स्पाइस एंड चटनी बंद होने वाला है, क्योंकि यशपाल ने बहुत बड़ा लोन लिया था जो यशदीप और बीजी नहीं चुका पा रहे हैं। श्रुति कहती है कि शायद सारा स्टाफ ना जाने कहाँ चले जाए और अनुपमा वापस भी जा सकती है। ये सुनकर अनुज परेशान हो जाता है और उसका चेहरा बता रहा होता है कि वो कुछ डिसीजन पे पहुंच जाता है। कुछ ना कुछ तो वो सोचता है, क्योंकि उसे वो नहीं चाहता कि अनुपमा यहाँ से जाए। वो किसी न किसी तरह अनुपमा के आसपास ही रहना चाहता है। वो स्पाइसेस चटनी पहुंचता है और यशदीप से बातें करता है, ऑफर्स देता है कि पहला कि वो स्पाइसेस चटनी को ख़रीदना चाहता है और दूसरा ऑफर ये भी देता है कि यशदीप उसके कंपनी से लोन ले सकता है एंड ही कैन रिटर्न द लोन विद इंटरेस्ट। यशदीप से अनुज से पूछता है कि ये वो सब क्यों कर रहा है। तो अनुज कहता है कि ये रेस्टोरेंट अनुपमा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो इसे बचाना चाहता है। यशदीप समझ जाता है एंड कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा और ही विल गेट बैक टू हिम। अनुज वहाँ अनुपमा से मिलता है और वहाँ से चला जाता है। अनुपमा प्रीलिम्स के लिए पहुँचती है और जजेस उससे जो जो सवाल पूछते हैं वो सबका आंसर दे देती है, भले ही वो टूटी फूटी इंग्लिश में देती है लेकिन जवाब दे देती है। जजेस को भी समझ में आ जाता है। लेट्स सी इस राउंड में क्या होता है, क्या रिजल्ट निकलता है। वहाँ वनराज बहुत गुस्से में होता है और ये कहता है कि अनुपमा अपने आप को क्या समझती है कि मैं कि वो क्या बाप बापू जी को घर से बाहर निकाल देगा घर को बेचने के बाद। नो डाउट वनराज इज़ अ गुड सन, लेकिन कहते हैं ना नीयत बदलते देर नहीं रखती। अनुपमा बस बा और बापू जी की सेफ्टी चाहती थी, तभी उसने ये शर्तें रखी थी। और प्रीकैप में दिखाते हैं कि अनुपमा दिया के डांस सेंटर में और सडनली उसके दाएं हाथ में कुछ हो जाता है और वो कहती है उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहाँ देर इज़ अ कैच इन दिस सीन, क्योंकि आध्या भी है और उसके राइट लेग में कुछ हुआ होता है एंड यहाँ अनुपमा के राइट हैंड में कुछ हुआ होता है। सो लेट्स सी अबाउट दिस सीन टुमारो एंड व्हाट इज़ द कैच अबाउट इट। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज़ भेजने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि कई बार काफ़ी लोगों के एक दो दिन से कंप्लेंस आ रही है कि हमारा नहीं आया है रिव्यू। तो एक तो नेट इशू है यहाँ पे, आपकी तरफ से जो है आ चुका होता है या नहीं आया होता है जो भी है, बट कहीं ना कहीं ये कुछ नेटवर्क इशू की वजह से कुछ ऑडियोज लेट आते हैं, कुछ ऑडियोज आते ही लेट है। तो ये एक सेट टाइम है 3 बजे का, 3 बजे तक जितने भी ऑडियोज आ जाए उनको एंटरटेन किया जाता है, उसके बाद नहीं। और इसको ही हम ध्यान में रख के चलते हैं। बाकी जो भी थोड़ा बहुत जो इधर उधर हो रहा है उसके लिए तो अब आगे जाके हम उसको ठीक करेंगे, बट मुझे लगता है कि मोस्टली ऑडियोज जो है कवर होते हैं। तो इसका अगर आपको लग रहा है कि हमारा ऑडियो नहीं आया तो वो किसी अलग इंटेंशन से, ऐसा नहीं है कि नहीं आया, कुछ वजह होती हैं तभी नहीं आते हैं। तो इस बात का हम भी ध्यान रखेंगे और आप भी टाइम का और ऑडियो की ड्यूरेशन का ध्यान रखिए। जो हमारे HS कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनके लिए मैंने पहले भी अनाउंस किया था कि उनके लिए 12 मिनट का समय है, मगर जो HS कम्युनिटी से नहीं है उनके लिए मैक्सिमम 7 मिनट्स। तो इतना बस ध्यान रखिएगा।
और जो अभी तक नहीं भेज पाए हैं उनको मैं अपना नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.